राधा किशन सुपर मार्केटिंग। बचपन से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एवं विशाल रेंज है। गर्ल्स वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर, लेडीज वेयर सभी एक ही स्थान पर। बेहतरीन क्वालिटी वाजिब दाम, राधा किशन सुपर मार्केटिंग की पहचान। राधा किशन सुपर मार्केटिंग बूंदाबहु मंदिर कॉम्प्लेक्स घंटाघर के पास दमोह। खत्री डेंटल केयर दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से राय चौराहा दमोह। रे ओ सांभा, ये रामगढ़ वाले अपनी बेटियों को कौन चक्की का पीसा आटा खिलाते हैं रे? माँ, शोले में गब्बर ये पूछता रहा, लेकिन मैं बसंती उस वक्त जवाब नहीं दे पाई। पर अब कोई पूछे तो मेरा जवाब है सिल्वर कॉइन ट्रेडिशनल चक्की फ्रेश आटा। सिल्वर कॉइन आटा, पहचानो ताकत खुद की। दमोह में आंगनवाड़ी के 11 बच्चे बीमार हुए, जिन्हें जिला अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया है। दरअसल जिले के मोड़ारी गांव की आंगनवाड़ी में रोज की तरह बच्चे आज भी गए हुए थे। सुबह बच्चों को इस आंगनवाड़ी केंद्र में खिचड़ी दी गई और दोपहर में मेन्यू के आधार पर कड़ी चावल खिलाया गया और समय के मुताबिक बच्चे घर भी चले गए। लेकिन घर पहुंचते ही बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। शुरुआती दौर में एक बच्चे ने अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू किया तो उसके परिजनों ने पहली नज़र में इसे भूत प्रेत बाधा समझा। लेकिन जब बच्चे की हरकतें ठीक नहीं हुई तो उसका पिता उसे लेकर दमोह अस्पताल आया और फिर आंगनवाड़ी गए। बच्चों में से एक एक कर कई बच्चों की तबीयत बिगड़ी तो हड़कंप मच गया। लोगों ने पुलिस को सूचना दी तो एम्बुलेंस के जरिए मोड़ारी गांव से 11 बच्चों को जिला अस्पताल लाया गया है, जहाँ डॉक्टर्स उन्हें इलाज दे रहे हैं। जिला अस्पताल के चिकित्सकों के मुताबिक पहली नज़र में ये फूड पॉइजनिंग का मामला लग रहा है और सारे बच्चे खतरे से बाहर हैं। बच्चों को चाइल्ड केयर वार्ड में रखा गया है और शिशु रोग विशेषज्ञ उन्हें इलाज दे रहे हैं। वहीं इस मामले की सूचना पर जिला प्रशासन के अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे और हालातों का जायजा लिया। SDM RL बागरी के मुताबिक फिलहाल बच्चे किन कारणों से बीमार हुए इसकी जांच कराई जा रही है। बच्चे खतरे से बाहर हैं, ये सुखद बात है। इसका क्या नाम है? इधर क्या नाम है? वैष्णवी लोधी कौन है? सर, ग्राम में मुड़ारी में आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी में बच्चे पढ़ने को गए थे और वहाँ पर नाश्ते में जो भी जाता हो खिचड़ी हलवा वगैरह तो वो खाया और इसके बाद 12 बजे पे कड़ी चावल जाते हैं। आज मेनू के अनुसार तो कड़ी चावल का नियम है, तो वो खाना खाया या नहीं खाया ये तो मैं बता नहीं सकता, मैं तो ग्राम का एक निवासी हूँ। लेकिन बच्चे पूरे इन्फेक्शन में हैं, किसी को चक्कर आते हैं तो कोई उल्टी करता है तो कोई चिल्लाता है। तो सर, इसके संबंध में मैं कुछ नहीं बता सकता कि हुआ क्या है बच्चों को, और एम्बुलेंस द्वारा यहाँ जिला अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है, एडमिट कराया गया है। कितने बच्चे थे? सर 11 बच्चे हैं, इतने ही बच्चे आज उनकी वहाँ पर संख्या थी। कौन सी क्लास के बच्चे? सर अब आंगनबाड़ी के हैं वो, कक्षाएं तो रहती नहीं आंगनबाड़ी, तो बच्चों का पोषण आहार के द्वारा शिशु मंदिर जैसा चलता है।
कौन देखता वहाँ पे ये सब कुछ? सर ये वहाँ पे सुनीता जैन हैं आंगनबाड़ी में। कौन से समाज के बच्चे हैं? सर इसमें सब समाज के बच्चे हैं, लोधी समाज के भी हैं, आदिवासी भी हैं, और भी समाज के, रेकवार समाज के, सब समाज के बच्चे हैं सर। क्या बताया था? अब सर अभी स्थिति में कुछ नहीं बताया है, अभी तो उनको एडमिट कराया है, जो बताएंगे आगे पता चलेगा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम धर्मेंद्र सिंह है। मुड़ारी, ग्राम मुड़ारी। क्या हो गया पूरे? बच्चे पढ़ भी गई थी सो वहाँ खाना आना खाया है, फिर कोई पता नहीं जब अपने आप घूमाते कई भूत आती है, तो एक बच्चे को हमने प्रसाद दिया तो आराम नहीं मिला। फिर पहले एक बच्चे को हम लेके दमो आए, फिर गांव गए, फिर दो बच्चे और लाए, फिर उसके बाद में एम्बुलेंस बुलवाई और मुत के बच्चे हो गए सो। बस इतना ही है हमको पता। क्या हुआ था? वहीं स्कूल गए थे, जो नहीं पता क्या हुआ। आपके कौन है? हमारा एक लड़का है, दो हमारे हल्के भाई की मोड़ा मोड़ी है। कुल कितने बच्चे हैं? हमारे तीन हैं, एक हमारा है, एक हमारे दो भाई के हैं। और कौन है बाकी? और गांव के हैं। आपका क्या नाम? हमारा विजय सिंह। का खेल रही थी आंगनबाड़ी के थे, आंगनबाड़ी खुली नहीं थी, फिर बाद में हम आए सामने आंगनबाड़ी खोली, बच्चों से फट्टी बिछवाई और उनको फिर बाद में खिचड़ी दी हमने, बच्चों ने खिचड़ी खाई, पानी पी के भी खेलत रहे, थोड़ी पढ़ो, फिर उसके बाद में आए कड़ी चावल, उनने बताया एक बच्चा ने उल्टी करी तो कड़ी चावल फिर कोई ने नहीं खाए, फिर भी अपने घर चले गए बच्चा। फिर एक लड़की थी ऊख मना चक्कर मक्कर आऊँ लगो सो बस। कुछ नहीं खाया, उन्होंने खिचड़ी भर खाई थी, कड़ी चावल खाए नहीं हमने। कब की खिचड़ी थी वो जो बनाई? सुबह की थी, गरम थी और गरम थी। कैसे बच्चे बीमार हुए, फिर क्या कर रहे थे बच्चे, क्या स्थिति थी? हमारे यहाँ से तो सही चली गई थी, एक बच्ची भर हती माने वो देख नहीं रही थी, ऐसी बताया ऐसी अकार सी रही थी, और पूरे बच्चा घर चले गए थे सलामत। अब भी घर जाके फिर हो गए भैया ऐसी। क्या लगता है क्या खाने से हो गया बच्चों? अब हमें तो सर कुछ नहीं लग रहा है कि क्या खाने से होगा, सहायिका की तबीयत खराब आती ना, सहायिका तो रोज खाना वहीं खाती, रोज खाती वहीं पर, घर नहीं खाती कभी, वहीं खाती है खाना। समूह बारे से आती, स्कूल से आता है खाना। आप क्या है? कार्यकर्ता। आपने कुछ नहीं किया? बच्चों की माँ हारे यहाँ लेके हमारे बच्चे ऐसा कर रहे ऐसा कर रहे, सो हम उन्हें संगे लगी और का और बताए हम दम हुई आ गए। ग्यारह बच्चे आए, अभी स्पष्ट जानकारी नहीं क्यों बीमार हैं वो, डॉक्टर साहब भी बता पाएंगे क्यों बीमार हैं। सर आंगनवाड़ी में थे सभी बच्चे? आंगनवाड़ी से घर जा चुके थे उसके बाद बीमार हुए। क्या फूड डॉक्टर साहब बता पाएंगे, अभी वो भी क्लियर नहीं किया। आपने क्या पाया? बच्चे आए हैं, एडमिट हैं, डॉक्टर साहब ने उनको देखा, अभी उनने कुछ बताया नहीं। कैसी स्थिति बच्चों की? अभी तो सामान्य, आईसीयू से बाहर कर रहे हैं सर। बच्चों की क्या रिएक्शन थे? बच्चे का डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम उनके पास अभी नहीं जा रहे हैं, वो उनको देख रहे हैं। ये मुड़ारी गांव है हमारे यहाँ, तो अभी मुझे सूचना मिली थी कि करीब 11 बच्चे आए हुए हैं, आंगनवाड़ी केंद्र से थे और यहाँ आए हुए हैं, अभी उनका इलाज जारी है। मेरी सिविल सर्जन जी से बात हुई है, डॉक्टर नामदेव से, उन्होंने बताया है कि सर सबकी स्थिति अभी फिलहाल ठीक है और वो ठीक हो जाएंगे। प्रारंभिक तौर पे क्या पाया गया? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, जो अभी डॉक्टर से मेरी चर्चा हो रही है वो कुछ बताएंगे अभी, लेकिन उनका ये कहना है कि खतरे से बाहर है। कुल कितने बच्चे थे और बीमार कितने थे? 11 बच्चे थे और कुल कितने थे इसकी जानकारी अभी हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को बुलाया गया उससे लिए जा रहे हैं, लेकिन हमें संतोषजनक स्थिति ये है, ईश्वर की कृपा ये है कि अभी हमारे सभी बच्चे लगभग सही होने की स्थिति में और ठीक हो जाएंगे। अभी फूड पॉइजनिंग का केस लग रहा है, मध्याह्न भोजन खाने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ी हुई है, बच्चे थोड़ी घबरा रहे हैं और डिसोरिएंटेड भी लग रहे हैं, उनकी पीपल्स भी डायलेटेड है, मैंने प्राइमरी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है, गैस्ट्रिक लवाज वगैरह हो रहा है और पीडियाट्रिशियन को भी इन्फॉर्म कर दिया है, ऐसे प्रथम दशता तो अभी घबराने वाली बात नहीं लग रही है, उनका ट्रीटमेंट वह चाइल्ड वार्ड में भर्ती होके स्टार्ट हो गया है, पीडियाट्रिशियन उन्होंने वहाँ अटेंड कर रहे हैं, मैंने यहाँ से उनको चाइल्ड वार्ड में भर्ती कर दिया है, अभी ठीक लग रहे हैं, बाकी और ट्रीटमेंट देने के बाद ही पता चल। कितने बच्चे हैं, कहाँ के बच्चे? अभी शायद अभी टोटल 11 या 12 बच्चे हुए हैं और यदि हो सकता है 3 बच्चे पहले आए थे
उसके बाद में अभी 9 बच्चे और आए हैं, एम्बुलेंस के द्वारा लाए गए हैं। हो सकता है अभी और भी आए जितना मुझे इन्फॉर्मेशन है, बाकी हम लोग अभी प्रिपेयर्ड हैं उस चीज़ के लिए भी। सर को ही मैंने इन्फॉर्म कर दिया है, वो भी आ रहा है। प्रारंभिक तौर पे क्या समझ आ रहा है? फूड पॉइजनिंग ही लग रहा है, फूड पॉइजनिंग के कारण। कहाँ के बच्चे हैं ये? बच्चे मुड़ारी के हैं। कैसी सर बच्चों की स्थिति और क्या? बच्चों की स्थिति अभी सटल है। क्या उनके रिएक्शन है? रिएक्शन थोड़ी हाइपर एक्टिव हैं, घबरा रहे हैं, बाकी और तो ऐसे ठीक लग रहे हैं। ठीक। क्या नाम है? मैं डॉक्टर विक्रम पटेल। शुभम शॉपिंग शोरूम, शादी विवाह के शगुन का पूरा सामान अब मिलेगा एक ही स्थान पर। सोफा, पलंग, ड्रेसिंग, अलमारी, कूलर, टीवी, कंबल, तकिया, बेडशीट, सूटकेस, गद्दे, गीजर, वॉशिंग मशीन और भी बहुत कुछ। फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। गुलाब बाबा मंदिर के पास हटा नाका।